हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साई किचन सुनीता मौर्य। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि हो गई है शुरू और काफ़ी लोग नवरात्रि में उपवास रखते हैं, तो मैं आज साई किचन में उनके लिए लाई हूँ स्पेशल फराली चिल्ला। ये दिखने में जितनी शानदार दिख रही है, खाने में उतनी ही लाजवाब होती है। ये बनाने में भी बहुत ही आसान है, आप इसे घर पर इजीली बना सकते हैं, तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आइए देखते हैं इसकी आसान सी रेसिपी। फ्रेंड्स, ये भगर है, इसे सामा राइस भी कहते हैं। सबसे पहले हम एक कटोरी साबूदाना लेंगे, इसे मैंने 4 घंटे पानी में भिगोकर रखा था। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से भीग जाता है। उसके बाद उसमें 1 कप भिगोया हुआ भगर डालेंगे, उसमें 2 चम्मच दही डालना है और इसे मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। फ्रेंड्स, भगर यानी सामा राइस को भी मैंने 4 घंटे पानी में भिगो कर रखा था। ये देखिए, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी पे आपको ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें पीसते समय। ये 2 उबले हुए आलू है, इसे हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। तो ये हमारा पोटैटो ग्रेट करके रेडी हो चुका है, अब हम इसे बैटर में डालेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालिए, 1 टीस्पून जीरा, 2 कटी हुई बारीक हरी मिर्च, रोस्टेड और क्रश किया हुआ मूंगफली का दाना 2 चम्मच डालना है, स्वादानुसार नमक डाल लीजिए, हरा धनिया बारीक कटा हुआ डालिए और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर बैटर गाढ़ा लगे तो उसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाए। अब चिल्ला बनाने के लिए एक नॉनस्टिक पैन को गर्म कीजिए और गीले कपड़े से उसे पोंछकर बैटर को उसके ऊपर स्प्रेड कीजिए। पहले आपको गैस का फ्लेम हाई रखना है, जब पैन गर्म हो जाए तो आप उसका फ्लेम कम कर दीजिए और उसके बाद बैटर को उस पर डालिए। 1 मिनट के बाद उस पर घी डालिए, या फिर आप ऑयल यूज़ करते हैं, ऑयल खाते हैं उपवास में, तो आप वो डालिए और इसे दोनों तरफ से पलट कर सेंक लीजिए अच्छे से गोल्डन कलर आने तक। अब हम नारियल की चटनी के लिए, हम ये कटे हुए नारियल मैंने ले लिया है, पहले से ही काट के रखा है, अब इसे मिक्सर में डालेंगे। इसमें 2 हरी मिर्च तोड़कर डालिए, 2 टेबलस्पून भुना हुआ मूंगफली के दाने, 1 टीस्पून जीरा और पानी अपने हिसाब से डालिए, उसमें उपवास का नमक डालिए और इसे मिक्सर में अच्छे से पीस लीजिए। देखिए, मैंने पीस लिया है, अब इसे एक बोल में खाली कर लीजिए। आधा नींबू का रस निचोड़ लीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे, तो तड़के के लिए पहले आप एक तड़का पैन गरम कर लीजिए और उसमें आपको 1 टीस्पून ऑयल, 1 टीस्पून जीरा, 2 खड़ी वाली लाल मिर्च, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालकर उसे चटकाइए और उसे चटनी के ऊपर डाल दीजिए और इमीडिएटली ढक दीजिए। 2 मिनट के बाद ढक्कन को खोलकर इसे वापस थोड़ा मिक्स कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारी नारियल की चटनी भी हो गई है रेडी। तो गर्मा गर्म चिल्ला, नारियल की चटनी और आलू की सब्जी के साथ सर्व करें। आलू की सब्जी की रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और उपवास के दिनों में इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर उपवास ना हो तो भी आप इसे नाश्ते के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो मेरी रेसिपी देखने के लिए थैंक यू।